स्टूडेंट आज हमारा टॉपिक है क्लॉथिंग ऑफ मौर्या एंड शुंगा जो कि फ़ाइनल बीएससी और बीए फैशन एंड इंटीरियर दोनों स्टूडेंट्स के लिए ये रहेगा सबसे पहले हम बात करेंगे शुंगा और मौर्य पीरियड की इस पीरियड के अंदर किस तरह से हमारी क्लॉथिंग का वर्णन किया गया है जो आर्किटेक्चर है उसके द्वारा हमें पता चलता है कि वहाँ की किस तरह से टेक्सटाइल और आर्ट व्रत थी स्टूडेंट्स जिस प्रकार से मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के साथ नंद वंश को हराकर सबसे पहले मगध और पाटलिपुत्र पर अपना राज्य किया और अपने राज्य की स्थापना की इसके साथ ही उन्होंने कलिंग से लेकर नीचे सातवाना तक और ऊपर मथुरा और कंधार तक का अपने राज्य का विस्तार किया इसी के साथ आगे चलकर इस पीरियड में वैदिक धर्म की स्थापना की गई थी जो काफ़ी हिंदू धर्म में प्रचलित थी लेकिन चाणक्य के जाने के बाद सबसे पहले धीरे धीरे वैदिक धर्म समाप्ति की ओर हो गया और आखिरी समय में चंद्रगुप्त मौर्य ने भी बौद्ध धर्म को अपना लिया जिसका असर भारतीय संस्कृति और सभ्यता दोनों पर पड़ा इसी परंपरा को आगे बिंदुसार ने इसी परंपरा को आगे अशोक ने और आखिरी इसके जो राज्य के राजा थे व्रद्त उसने भी इसी का परिपालन करते हुए अपने बौद्ध धर्म का पालन किया लेकिन वैदिक धर्म की ओर ध्यान नहीं दिया इससे शुद्ध होकर जो वृद्ध व्रत के सेनापति थे पुष्यमित्र उन्होंने सबसे पहले उस राज्य में वापस वैदिक धर्म को लाने के लिए उन्होंने राज्य के जो राजा थे वृद्ध उनकी हत्या करके और शुंग वंश की स्थापना की पुष्यमित्र एक ब्राह्मण वंश के थे और उन्होंने फिर से वैदिक धर्म को इस देश में बढ़ाया इनका राज्य भी मौर्य राज्य की तरह पूर्व से पश्चिम उत्तर से दक्षिण तक फैला हुआ था लेकिन यहाँ मगध की राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर इन्होंने मध्य प्रदेश के पूर्वी मालवा क्षेत्र विदिशा में लेकर आए और यहाँ पर इन्होंने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया लेकिन पुष्यमित्र ने बौद्ध धर्म के साथ साथ कई अलग से आर्किटेक्चर का भी निर्माण कराया और हिंदू धर्म वैदिक धर्म बौद्ध धर्म दोनों को साथ लेकर चले इनका समय लगभग लगभग एक ईसा पूर्व से लेकर 78 ईसा पूर्व तक का रहा आगे इनका जो पुत्र था अग्निमित्र उसने भी इस राज्य में कम से कम एक सालों तक राज्य किया और पुष्यमित्र ने 36 सिक्स ईयर तक राज्य किया कई कला के क्षेत्र में साहित्य के क्षेत्र में इनके राज्य में उन्नति हुई कवि कालिदास के द्वारा रचना जिसके नायक खुद अग्निमित्र थे मालवी का अग्निमित्रा। कालिदास उज्जैनी के थे और उज्जैनी तक इनका राज्य था जो रचना आज अमर और अजर हो गई उसके वर्णन में पता चलता है कि किस तरह की क्लॉथिंग और किस प्रकार के इन्होंने टेक्सचर्स का यूज किया इसके अलावा सुंगा का जो राज्य था उसमें उच्च कला कोटि को उन्होंने ध्यान दिया इनके राज्य में मैग स्नित और साथ में पतंजलि योग का भी सूत्र का भी निर्माण हुआ ज्ञानशास्त्र टेराकोटा, टेक्सटाइल फैब्रिक फाइबर सभी को उन्होंने हर क्षेत्र में कृषि हर क्षेत्र में अपने अधिकारों को आगे बढ़ाया स्टूडेंट्स शुंगा का जो लास्ट राजा रहा देवव्रत उसने भी इस राज्य को आगे बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण काम किए लेकिन पूरी तरह से वो काम नहीं कर पाए और सातवाना ने उनको हरा के उस राज्य को समाप्ति किया लेकिन हमारा जो क्लॉथिंग और मौर्यासुंगा का जो फैब्रिक किस तरह की वेयरिंग करते थे वो किस तरह के कपड़े पहनते थे मेंस का किस टाइप से फैब्रिक होता था वुमेन्स किस टाइप के फैब्रिक पहनती थी क्योंकि इस राज्य में सबसे सब बड़ी बात ये है कि इस समय विदेशी शासकों का भी यहाँ पर समावेश हुआ यहाँ यूनान सब की संस्कृति भी आई यहाँ पारस की भी संस्कृति आई यहाँ पर ग्रीक की भी संस्कृति आई तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत टच हमें मिलता है वुमेन तो टोटल ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहनती थी जो एक प्रकार का कच्चा अंतरिया और एक उत्तरिया होता था अंतरिया जो कच्चा होता था वो नीचे की तरफ पहनती थी और दोनों पैर दोनों लेग्स के बीच में से निकाल के कमर के ऊपर पीछे से टक करती थी और जो टक करती थी उसको केबंद के द्वारा टाइट करके लगाती थी केबंद कई डेकोरेटेड लरियों से चैन से बना होता था जिस पे बहुत सुंदर सुंदर स्टोन्स वगैरह लगे रहते थे और आगे एक पट्टा लगाती थी जिसको पट्ट बोलते हैं बन बोलते हैं वो डेकोरेट होता, होता था और डेकोरेट के साथ साथ उसके अंदर कई प्रकार के फर और एम्ब्रॉयडरी की होती थी उत्तरिया में ज़्यादा पहनने का रिवाज नहीं था लेकिन उत्तरिया में हैट के ऊपर एफ डालने का रिवाज था और ज्वेलरी से अपने अपर पार्ट को वो कवर्ड करती थी इसमें अलग अलग जितनी भी महिलाएं होती थी कोर्ट लेडी अलग होती थी काम करने वाली अलग होती थी राजा की दासी अलग होती थी तो ये भी वर्ग के हिसाब से अपनी अपनी ड्रेस को पहनते थे हेयर स्टाइल अधिकतर टू पार्ट में बटी हुई होती थी सिर के ऊपर जो राइट राइट से लेफ्ट और लेफ्ट से राइट की तरफ जाती थी इस तरह से ये अपने हेयर को लेकर ऊपर बन के रूप में बनाती थी ताकि इनका जो उत्तरिया है वो ठीक से उसके ऊपर टक हो जाए और लंबन में भी अलग अलग स्टाइल में छोटा कच्छा बड़ा कच्छा डालकर ये उसको डेकोरेट करती थी हाथ में फ्री स्टाइल में एक उत्तरिया होता था जिसे ये ड्रैप करती थी आगे आते हैं जो द्वारपाल होते हैं या लड़ाई के लिए मिलिट्री पर्सन होते हैं उनका ड्रेस होता था जो कवच होता था वो मात्र चेस्ट तक का होता था जो हार्ड धातु से बना हुआ आता होता था और इसके अंदर गोल्ड सिल्वर जैसे भी होता था उसकी पद के हिसाब से वो बनाए जाते थे उसमें भी आप उत्तरिया और अंतरिया दोनों में काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलता है जो अपनी बदन के ऊपर टाइट होते थे ताकि उनको लड़ाई वगैरह में फाइट करने में परेशानी ना हो इसी तरह मैंस वीयर्स में देखते हैं तो इसमें भी महिलाओं से कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलता है इसमें भी वो एक कच्छा पहनते हैं लबमन डालते हैं लेकिन जहाँ महिला केबन के द्वारा डिज़ाइनर केबन के द्वारा वो अपने कमर को टाइट करके बांधती थी उसी प्रकार से मेंस जो होते थे वो एक रैप्ड फैब्रिक से अपने कमर को कवर करते थे और एक हेलमेट नुमा अपने हेयर को ऊपर सिर के ऊपर बांधते थे आगे एक रिबन को फीते के द्वारा टाइट करके बांधते थे इसके अलावा हाथ में इन लोगों को पहनने के लिए महिलाओं की तरह ही आगे के कड़ास और बाजूबंद दोनों एक साथ पहनते थे गले में कंठमाला भी ये लोग पहनते थे जो कई प्रकार के पर्ल और स्टोन की बनी होती थी इस पीरियड में सेफ्रॉन पर्ल रूबी इसका भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस था पगड़ी में जो राजा होते थे वो अपनी हेड गियर को आगे एक बन बनाते थे जो एक गोलाकार गाठ के रूप में होता था काफ़ी डेकोरेटिव होता था और रिबन या मोती की माला से उसको सजा दिया जाता था नीचे वो भी कच्चा पहनता था और कच्चे के ऊपर उसमें भी डेकोरेट लंबन होता था ऊपर से दोनों वेस्ट के ऊपर वो एक प्रकार से एक दुपट्टा डालता था जिसे वो ड्रेप के रूप में यूज़ करता था महिलाएं है अपना हेड केयर हेयर स्टाइल बनाने के लिए मैंने जैसा आपको पहले बताया अपने बालों को दो भागों में बांट कर एक बन बनाती थी ऊपर से एक डेकोरेटिव फैब्रिक को डालती थी जो उनके अपर पार्ट पार पे डला हुआ रहता था और इसके अंदर अलग अलग प्रकार की लड़ियों के हराज होते थे जैसे सतााहरा सात लड़ियों की स्ट्रिप्स वाली माला मेखला जो सिक्स स्ट्रिक नेकला नेकलेस के अंदर डलता था फिर उसके बाद में आता आपका पलकारी चौरी इस तरह से अलग अलग प्रकार के कंठे की जितनी लेयर होती थी उसके हिसाब से ये बनाया जाता था महिला और पुरुष दोनों ही कानों में कुंडल या रिंग्स पहनते थे इसके अलावा महिलाएं अपने सिर के ऊपर एक बहुत ही खूबसूरत सितारा लगाती थी जिसे आज हम बेहदी कहते हैं कमर के अंदर मैखला पहनती थी और बाजूबंद जो कई डेकोरेटिव डिज़ाइन से बना हुआ होता था हाथों में कंगन बैंगल्स वन टू थ्री प्रकार की अलग अलग लेयर्स में होती थी इसके बाद अचकन होता था जो बीट और पर्ल के द्वारा सजा हुआ होता था इसके अलावा कारा और सतारा लगा के वो अपने आप को सुंदर और डिजाइनर ड्रेस तैयार करवाती थी फैब्रिक के अगर बात करते हैं हम तो फैब्रिक में ये लोग लिनन कॉटन और रेशम और वुल तीनों प्रकार के भरपूर मात्रा में इन्होंने उपयोग किया अब आप, आप देखिए मिलिट्री कास्ट्यूम इसमें मिलिट्री कास्ट्यूम में काफ़ी कुछ हद तक यूनान की आर्ट भी मिलती है जो एक ट्यूनिक होता है और अपर पार्ट के ऊपर छोटा जहाँ पर हमारा बाजूबंद होता है वहाँ तक की इसकी स्लीव लेंथ होती है और नीचे शॉर्ट थाई लेंथ तक का इसका कच्छा होता है और नीचे बूट्स जो काफ़ी हार्ड होते हैं कहीं पर भी चलने में इनको तकलीफ ना हो और इसी तरह एक लंबा वन आगे बांटते हैं और कमर के ऊपर एक फीता बांधकर उसको टाइट करते हैं इस तरह से मिलिट्री में इनके कास्ट्यूम होते थे टेक्सटाइल की अगर बात करते हैं तो कॉटन सिल्क वूल लिनन जूट फाइबर आदि प्रकार के फाइबर का इन्होंने यूज़ किया सिल्क में तो इन्होंने पहली बार ये मान के चलिए कि जो पहचान की थी ईरी, मुंगा और टसर सिल्क इसी पीरियड की देह है इसके अलावा क्वालिटी में कॉटन जो होता था हाई क्वालिटी का कॉटन होता था हाई क्वालिटी का वूल होता था सिल्क होता था इसका भी इन्होंने उपयोग किया इसके अलावा रेन प्रूफ जो बारिश में पहनने के जो वूल होता था उसके द्वारा ये अपनी बॉडी को कवर करने के लिए एक प्रकार का कपड़ा फैब्रिक बनाते थे और जो पानी में चाने के बाद भी हमारे ऊपर गीला नहीं होता था इसके अलावा अगर हम देखें तो प्राइमरी कलर का इन्होंने भरपूर रूप से प्रयोग किया टाई एंड डाई के लिए ये लोग सब प्रकार का जानते थे इंडिगो लीव्स का भी इन्होंने उपयोग करा सेफ्रॉन फ्रूल्स के लिए भी इन्होंने यूज़ किया और मेहंदी का भी इन्होंने यूज़ किया कत्था का भी इन्होंने यूज़ किया इस तरह से इन्होंने फाइबर और कलर टाई एंड डाई नेचुरल जितने भी कलर होते हैं यार्न होते हैं सभी का इन्होंने भरपूर मात्रा में उपयोग किया टेरो इसकी एक महत्वपूर्ण देन रही है थैंक यू वेरी मच